गुरदासपुर के सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कानूवाल की विद्यार्थन परविंकलजीत कौर ने पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के बारहवीं के नतीजों विचों 450 चो करीब 449 अंक लैके पहले छे अव्वल विद्यार्थियों विच अपनी जगह बनाई है। जिस तो बाद मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विद्यार्थन परविंकलजीत कौर नाल गलबात कर उसनु वधाई दित्ती। गलबात करदिआं विद्यार्थन ने दस्सिआ कि उह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कानूवाल की विद्यार्थन है अते स्कूल अध्यापकां ने उसनु सख्त मेहनत करवाई है जिस सदका अज उसका पंजाब विच पहला स्थान आया है। उसने दस्सिआ कि उह घर विच पढ़ाई करदी रही अते उह बहुत खुश है कि उह मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस नाल फोन ते गल करके उसनु वधाई दित्ती अते उसनु उत्साहित कीता। सर मैं आर्मी चो सर्विसमैन हाँ, दोबारा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा और इस सरकारी स्कूल दे विच मेरी बेटी पढ़ती सी जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क हासिल किए है तो अच्छा स्टाफ सी बहुत मेहनती स्टाफ ही जिस तरह तुम सुन च आ ही गया भी प्राइवेट स्कूलों वाल लोग भजते हैं भी शायद सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। मैं इस चीज़ तो नहीं मतलब सोचता सरकारी स्कूलों में बहुत मेहनती स्टाफ है और ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों बच्चों सरकारी स्कूल ही पढ़ाना चाहिए। सीएम साहब का जो फोन आया बहुत फकर वाली गल है साडे वास्ते बहुत फकर महसूस होया बहुत खुशी महसूस हुई कभी इदा सोचा भी नहीं भी ये भी मौका मिलेगा कि सीएम साहब खुद सानू वीडियो कॉल करनगे। ये साडी बेटी की मेहनत दे सदके ही सीएम साहब ने सानू वीडियो कॉल की है बहुत खुशी महसूस हुई। मेरा नाम परविंकलजीत कौर है तो मैं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल लड़के कानवान की विद्यार्थन हाँ। मेरे 449 आउट ऑफ 450 नंबर आए ने ते ओवरऑल मेरा डिस्ट्रिक्ट चों फर्स्ट रैंक है और पंजाब विचों टॉप 6 ते मेरा नाम हैगा है। और सीएम सर ना मेरी कल गल हुई सी और मैं कभी सोचा नहीं कि मैं किस मतलब ऐसे व्यक्ति ना कभी भी गल करांगी बट हाँ मैंने बहुत खुशी मैं अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स परस्यू करने की सोच रही हूँ या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। मैं अपने स्कूल अपने प्रिंसिपल टीचर्स इन्होंने सारे श्रेय दें अपने अपने मार्क्स का और हाँ ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स नू भी और मैं भी इस पूरे 2 साल मेहनत की और मैं रेगुलर स्टडीज़ की लाइक मेरा इदा नहीं कि एक दिन पढ़ती सी ते सेकेंड दिन नहीं पढ़ती सी बट मैं रेगुलर स्टडीज़ कंटिन्यूस की। मैं यही कहना चाहवागी कि हाँ ये 2 साल बहुत औखे होंगे ने हर स्टूडेंट वास्ते स्कूल रेगुलर ट्यूशनस कोचिंग्स कई बच्चे 3 ट्यूशनस लेंदे ने 2 लेंदे ने और कई बच्चों के दिमाग में यह भी आता है कि शायद आप ट्यूशनस लैना बंद कर दिए या फिर साढ़े को नहीं हो सकता पर मैं यही कहवागी कि हौली हौली करो तो मैनू विश्वास है कि तुम अपना गोल अचीव कर सकते हो। बहुत माण महसूस होया कि साड़ी एक स्टूडेंट परविंकलजीत कौर जिन्हें कि 450 चो 449 अंक लैके अपने जिले का नाम अपने पिंड का नाम अपने टीचर्स का सारे का नाम उन्हें रोशन किया और उन्हें एक सरकारी स्कूलों बहुत मान दवाया क्योंकि जिथे लोगों की एक धारणा है कि सरकारी स्कूलों पढ़ाई नहीं होंगी उस चीज़ में इन्हें झुठला दिता कि सरकारी स्कूलों के जिहड़े अध्यापक ने बहुत मेहनती ने और साड़े जिहड़े हायर अथॉरिटीज़ ने जिवें कि साड़े मानयोग सिक्ख्या सकत्तर श्री कृष्ण कुमार जी उन्हां दी योग अगवाई नाल जिहड़ा अज ये उपराला हैगा कि जिहड़ी उन्हां दी एक सुपना सीगा वह साकार हो रहा है कि जिहड़ा उन्हां ने एक सपना देखा सीगा कि सरकारी स्कूलों नूं प्राइवेट स्कूलों तों असीं अगे लैके जाणा है और तकरीबन पिछले 3 सालों तों जिहड़ा उन्हां दा सपना साकार हो रहा है और बच्चे उन्हां दी अगवाई विच बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जिहड़े अध्यापक ने वह भी बहुत मेहनत करवा रहे हैं। साहब उन्होंने जिहड़े सैकटरी सर से उन्होंने मैनु कॉल आई सी और उन्होंने बेटी का नंबर मंगया मैं उन्होंने नंबर दिता बेटी का फिर बेटी ने बाद मेरे न गल की कि सीएम सर जिहड़े हैगे है उन्होंने इन्हां नाल वीडियो कॉल की है और मुबारकबाद दी। उन्होंने जिहड़ा उपराला हैगा कि परसनली बच्चों नाल गल करके उन्होंने वधाई देनी क्योंकि एक बच्चे लिए बड़े माण की गल है वो परिवार लिए भी बड़े माण की गल है कि एक मुख्यमंत्री जिहड़े ने वो खुद बच्चे नाल गल कर रहे हैं। प्राइम मुद्दे लिए गुरदासपुर तो जितेंद्र कुंदल की रिपोर्ट।